जेबीटी के कमीशन में बियर धारकों की बैठने और टैट योग्यता देने को लेकर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सड़क पर उतरकर हल्ला बोल दिया है। हमीरपुर में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने अपने हक की मांग को लेकर गांधी चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी की तो रैली निकालकर डीसी कार्यालय तक गए और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा। जेबीटी प्रशिक्षुओं की मांग है कि जेबीटी पदों पर जेबीटी प्रशिक्षु ही नियुक्त किए जाएं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जेबीटी प्रशिक्षु सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया कि बीएड वालों को जेबीटी टैट की सुविधा दे दी है जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि इससे जेबीटी प्रशिक्षुओं का कोर्स बेकार हो गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आज रैली के माध्यम से सरकार के सामने मांग को रख रहे हैं ताकि जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय ना हो। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने मांग करते हुए कहा कि गरीब परिवार के छात्र भी जेबीटी कर रहे हैं लेकिन इस तरह बीएड धारकों को भी जेबीटी टैट किए जाने से जेबीटी प्रशिक्षुओं को कभी भी रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार से मांग की जा रही है कि जेबीटी पदों के लिए जेबीटी प्रशिक्षुओं को भी नियुक्त किया जाए। बता दें कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो लोग बीएड कर चुके हैं वे जेबीटी टैट के लिए योग्य हैं और अब जेबीटी के पदों के लिए बीएड धारक आवेदन कर सकते हैं, जिसके चलते ही जेबीटी प्रशिक्षु उग्र हो गए हैं और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने की। इस अवसर पर हमीरपुर में लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई तो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सीनियर सिटीजन को पेश आ रही समस्याओं के साथ ऑपरेशन के लिए कई दिनों तक इंतजार किए जाने पर जल्द जिला प्रशासन के पास समस्या रखने का प्रस्ताव डाला गया। साथ ही गत दिवस सूरत में हुए अग्निकांड से संख्या लेते हुए हमीरपुर के सभी कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था और आपातकाल से निपटने के लिए प्रशासन से संस्थानों की चेकिंग करने की मांग की गई। बैठक में संगठन ने सांसद अनुराग ठाकुर को रिकॉर्ड मतों से जीतने पर बधाई भी दी और पीएम मोदी से मांग की गई कि अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। संगठन अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि बैठक में मेडिकल कॉलेज में सीनियर सिटीजन को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई तो शहर में कई जगहों पर सीवरेज की समस्या की शिकायतों पर जल्द प्रशासन के पास जाकर समस्या हल करने की मांग की जाएगी। साथ ही बैठक में सूरत में हुए अग्निकांड के बाद हमीरपुर में भी कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था की चेकिंग करने की मांग की गई। हमीरपुर के एलमाईटी पब्लिक स्कूल में भूकंप आने पर कैसे बचा जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, अपनी सुरक्षा कैसे की जाए तथा दूसरों की मदद कैसे की जाए, भूकंप के बाद फर्स्ट एड का महत्व क्या है आदि पर मॉक ड्रिल करवाई गई। मॉक ड्रिल से पहले बच्चों को भूकंप क्यों आता है और भूकंप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, भूकंप के समय और बाद में क्या सावधानी रखनी चाहिए आदि विषय पर जानकारी दी गई। छात्रों को प्रोजेक्टर पर एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। बजर बजते ही सभी छात्रों ने भूकंप मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। वे सीढ़ियों से बड़े आराम से नीचे उतरकर स्कूल के खुले मैदान में आए। कक्षा में रहने पर भी वे टेबल के नीचे छिपे। किसी ने अपने सिर को बचाने के लिए सिर पर किताब रखी तो कोई कोने में जाकर खड़ा हुआ। स्कूल की अध्यापिका दीप्ति ने बताया कि ये मॉक ड्रिल सफल रही और इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। स्कूल संस्थापक पूजा मिन्हास ने बताया कि ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को प्राकृतिक आपदा के बारे में और इससे बचने के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए ताकि वे जागरूक हो सकें और समय पड़ने पर सावधान रह सकें। उन्होंने अध्यापकों को बधाई दी और कहा कि उन्होंने छात्रों को प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए तैयार किया है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है जिसके चलते इस तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। भीड़ की दृष्टिगत मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। आपको बता दें कि विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में
ये गर्मी का सीजन लगभग 3 महीने तक चलेगा। आगामी 3 महीने तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा स्टेशन पर लगा रहेगा। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। छुट्टी के दिन श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो मेला लगा हुआ हो। ऊंचे जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। मंदिर प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं को जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप में रोका जाता है और फिर उन्हें मंदिर भेजा जाता है। मंदिर में श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माता जी के दर्शन करवाए जाते हैं। गर्मियों का सीजन है, यात्रियों को बहुत अच्छे दर्शन करा रहे हैं। रश बहुत ज्यादा है, फिर भी यात्री को बड़े आराम से खुले दर्शन हो रहे हैं और आराम से जय माता दी बोलते हुए जा रहे हैं। जय माता दी। मेरा नाम गुरबख सिंह है और आज यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं। जय माता।